गाइस वेलकम टू स्टीज ब्लॉग। तो गाइस फाइनली आपका स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में, और आज हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो बने रहो स्टीज ब्लॉग। काल भैरव जी के दर्शन करके आए, अब तिवारी जी से थोड़ा सा राय लेते हैं, उन्होंने क्या देखा बताओ सर, कैसा रहा आपके दर्शन? अरे कुछ बताइए सर आपकी। देखिए सर, जब आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करते और वो होती है तो फिर वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो जाता है। हमें नहीं लगा था कि हमें इतना टाइम लगेगा काल भैरव में दर्शन करने के लिए। जैसी बाबा की इच्छा, दर्शन हो गए, बाबा का दर्शन हुआ, अच्छी बात है। हमने दर्शन किया और फिर हम अपने घर के लिए चल रहे हैं। शाम को कुछ मज़ेदार चीज़ें हम और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप देखियन बटालियन सभी हम पहुँच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर गेट 4 पे। और यहाँ से आपको दिख रहा है किस तरह से भीड़ है, बहुत ही खतरनाक भीड़ है, पुलिस वाले भी सामने। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत उमदा इंतज़ाम किए जाते हैं। और अभी हम अंदर जाते हैं, एंट्री करेंगे सबसे पहले। आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, श्रद्धालु तो बहुत, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो सब लोग हैं, ये सब लाइन में लगे, देखो लाइन कितनी लंबी है। और दर्शन के लिए लोग लंबी लाइन है, क्या ही बताओ। हम जाएंगे तो आज कितना टाइम लगेगा, देखो कितनी लंबी लाइन है। ये श्रद्धा गाय देती है, श्रद्धा बोलते हैं। और लाइन तो इतनी बड़ी है कि लाइन जेडी होगी हमारे साथ। हम गए थे जहाँ पे बुकिंग होती है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तो वहाँ पे जाके हमने पता किया अगर वीआईपी ब्लॉक, अगर हमें वीआईपी पास लेना रहता ना अंदर जाने के लिए, उसमें भी 1 घंटा लग रहा था लाइन में। और अगर तो रेगुलर वाला तो सोच लो 4 घंटे। आपने लाइन देखी थी कितनी लंबी, जब 300 मीटर लंबी लाइन लगी होगी ऑलमोस्ट, जो कि रेगुलर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। और हम तो वीआईपी में गए थे और उसका अलग से एक पास ले रहे थे, वो पास लेने की बात भी बोल रहे 1 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। तो सोचो तो आज तो मुमकिन नहीं हो पाया ये कि हम दर्शन कर पाए। शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था कि हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर पाए। बोलते हैं ना कि दिन दिन की बात होती है, शायद हमारे नसीब में लिखा नहीं था, इसीलिए हम कहीं और जाएंगे, फिर कभी आएंगे जब भगवान बुलाएंगे। ये तो तकदीर की खेल है, भगवान नहीं चाहते थे कि हम उनके दर्शन करें, इसीलिए हम नहीं जा पाए। बहुत जल्दी हम वो वाला ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करें, लेकिन उससे पहले आपकी बनारस की गलियां दिखाते हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा क्राउड है, सिखार आ गए हैं, लेकिन क्राउड देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत क्राउड है, लोग इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर, भरपूर मात्रा में लोग हैं। तो श्रद्धा की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, जो मतलब भगवान के प्रति आस्था है वो फूट फूट कर भरी है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर तो हम नहीं जा पाए, लेकिन अभी हम जा रहे हैं काल भैरव टेम्पल, जो उससे 15 मिनट की दूरी पे है। तो अभी हम ये जो गलियाँ हैं गाइड्स, यही जो रास्ता है ये जाता है काल भैरव मंदिर, जो कि इसकी एक हिस्ट्री है कि काशी का रखवाला मतलब कोतवाल कहा जाता है, जो पूरी काशी की देख रेख करता है। और इस जो हम लोग भी आते हैं, सबकी बाहर से भी लोग आते हैं। ये बहुत ही लंबी लाइन है, देख सकते हो बाबा भी मिलेंगे आप। और गाइस हमें लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन काफ़ी लंबी है। और हमने प्रसाद तो ले लिया, लेकिन अंदर जाने के लिए भी 2 घंटे से ऊपर ही लग जाएगा। यहाँ पर भी बहुत लाइन है, बहुत ज़्यादा लाइन है, हम लोग लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी क्यूब है। और ये लाइन लगता है 1 घंटा तो हमें लगे जाएंगे दर्शन करने में, बहुत ही लंबी क्यूब है। हमारे पीछे सिर्फ 4 से 5 लोग हैं और हमारे आगे 200 लोग। हमारे जो गाइड साहब हैं एकदम लाइन में लगे हुए हैं सुबह से, आज पूरा भक्ति में आए, श्रद्धा भक्ति इनके अंदर भरी भरी है। हम लोग भी अंदर
दर्शन करने के लिए पूरा उत्सुक हो गए, उत्सुक हैं, दर्शन के अंदर आ गए हैं। अभी पता नहीं कितने आ गए हैं, हमें भी कोई पता नहीं। हमारे 300 लोग होंगे और हमारे आगे 100-200 बहुत ही लंबी इस तरह से प्रसन्न। पीछे का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से लाइन लगी हुई है। आपको सिर्फ बनारस में ही मिलेगी और देख सकते हैं। डेस्टिनेशन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितनी लंबी गली है और इतनी संकरी गली में हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी लाइन का। इतनी लंबी क्यूब लगी हुई है, क्या बताऊं मैं आपको। भगवान आज कड़ी परीक्षा ले रहे हैं हम लोगों की। परीक्षा पे परीक्षा पास करके हम पहुँचेंगे काल भैरव के पास। पता नहीं कितनी और परीक्षाएं ली जाएगी तो जाके तो बहुत सारे मंदिर मिल गए। काल भैरव से जाने से पहले और एक मंदिर मिल गया, ये माता का मंदिर है और बहुत ही अद्भुत काल भैरव से। ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है और देखो कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है, बहुत ही अद्भुत है। रास्ते में आपको मिले, हम लोग पूरा लाइन में लगे थे और अब जाके हम फाइनली पहुँचने वाले हैं गेट पर। आप देख सकते ये सामने ही है काल भैरव का मंदिर, जो सामने दिखना चाहता था। और हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा 1 घंटा भगवान की आराधना की है। तो परीक्षा का फल मीठा ही होता है। दर्शन करेंगे यहाँ से, ये सामने ही आप देख सकते हैं। वहाँ पर मोबाइल तो अलाउ नहीं रहेगा, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ किस तरह से बाबा काल भैरव। दर्शन हो गए हैं काल भैरव के और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत हैप्पी है, दिल को सुकून मिल गया। सुबह हम काशी विश्वनाथ नहीं जा पाए क्योंकि आपको पता है, बता दिया था हमने वीडियो में। कुछ चीज़ें लिखी होती है, जहाँ लिखा नहीं होता जा रहा वहाँ हम कभी जा भी नहीं सकते। और काल भैरव मंदिर मतलब जहाँ हमें जाना है तो वहाँ हम चले गए। इसके लिए बोलते हैं ना, जहाँ अगर चाहो तो अगर हम मंदिर के पास भी चले गए थे फिर भी हमें वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला। तो हमने आए भोले की शंकर की नगरी काशी में, फिर हमने काल भैरव के दर्शन किए और दिल को एकदम सुकून मिला। हम सुलभ से जानना चाहेंगे उनको कैसा लगा। सुलभ कुछ बताओ। मन सही हो गया, देखिए हल्का हो गया, मन शांत हो गया। पर बहुत ज़्यादा क्राउड थे एक बार, मैं आपको पहले तो बहुत क्राउड मतलब 500 से 600 लोग तो होंगे। एक घंटा लगा पूरा मंदिर तक पहुँचने में, एक घंटा इतना सारा लोग था। और हमें बहुत आस्था और दर्शन के बाद हम यहाँ पहुँचे। उससे पहले हम काल भैरव जी के दर्शन करके आए। अब तिवारी जी से थोड़ा सा राय लेते हैं, उन्होंने क्या देखा बताओ सर, कैसा रहा आपके दर्शन। अरे कुछ बताइए सर आपकी। देखिए सर, जब आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करते और वो होती है तो फिर वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो जाता है। हमें नहीं लगा था कि हमें इतना टाइम लगेगा काल भैरव में दर्शन करने के लिए। जैसी बाबा की इच्छा, दर्शन हो गए, बाबा का दर्शन हुआ, अच्छी बात है। हमने दर्शन किया और फिर हम अपने घर के लिए चल रहे हैं। शाम को कुछ मज़ेदार चीज़ें हम और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप स्टे ट्यून्ड विद बटालियन सतीश ब्लॉग।